एक बार राजा प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक बृहद यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया। मगर उन्होंने देवों के देव महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। अपने पति के घोर अपमान को सती सहन ना कर सकी और हवन कुंड में कूद कर अपनी जान दे दी। सुनकर शिव सती का मरने की खबर, सुनकर शिव सती का मरने की खबर, लगे कहने की सृष्टि जला देंगे हम, लगे कहने की सृष्टि जला देंगे हम। जी करे खोल दूं अपनी तीसरी नजर, बचना मुश्किल है उसका दिया जिसने गम, बचना मुश्किल है उसका दिया जिसने गम। तब शिवजी क्रोधित होकर अपने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और आदेश देते हैं कि वीरभद्र, कनखल में जो यज्ञ हो रहा है उसको जाके विध्वंस कर दो, तबाही मचा दो। आज्ञा सुन चल पड़ा वहाँ वीरभद्र, यज्ञ विध्वंस किया दक्ष का काटा है सर। तब वीरभद्र के विकराल रूप देखकर देवगण भागने लगे। तभी भोलेनाथ वहां प्रकट होते हैं और हवन कुंड से सती के शव को कंधे पे उठा लेते हैं। आज्ञा सुन चल पड़ा वहां वीरभद्र, यज्ञ विध्वंस किया दक्ष का काटा है सर। रूप ऐसा धरे देख कोई जाए डर, रूप ऐसा धरे देख कोई जाए डर, सौ को लेकर लगे रोने उनके नयन, सौ को लेकर लगे रोने उनके नयन। समय समस्त ब्रह्मांड में हलचल मच गई। फिर सभी देवगण श्री हरि भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं, कुछ कीजिए प्रभु अब तो लीजिए खबर, 52 टुकड़े किए सब छोड़े अपना चक्र। भगवान विष्णु के चक्र से कटे माता सती के 52 अंग जहां जहां पे गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ धाम बना। कुछ कीजिए प्रभु अब तो लीजिए खबर, 52 टुकड़े किए सब छोड़े अपना चक्र। धाम पावन हुआ दिल गिरा देव घर, धाम पावन हुआ दिल गिरा देव घर, शिव सती का जहाँ पे हुआ संगम, शिव सती